अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक फ़ोन आया हुआ है जो कि वन प्लस एक्स से ही है, ठीक है। तो इसमें FRP लगा हुआ है, यानी गूगल अकाउंट आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बाईपास करने से आपको वाईफाई से इसको कनेक्ट कर लेना, हॉटस्पॉट हो या वाईफाई हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो ID का था, यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया और यहाँ पे 3 डॉट में जाना, फिर असिस्ट में जाना है, ठीक है दोस्तों। असिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे नोट हैंक्स करना है। नोट हैंक्स करने के बाद जैसे जैसे मैं बाईपास कर रहा हूँ वैसे सेम करना है। कोई भी आपको अपने माइंड से एक्स्ट्रा दिमाग दोस्तों नहीं लगाना, क्योंकि इसी तरीके से इसको आप बाईपास कर सकते, और कोई ट्रिक नहीं है। मैंने यूट्यूब में भी ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने यूट्यूब भी सर्च किया, तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आपको इसी तरीके से करना है, तो शायद आपका 100% बाईपास हो जाएगा। अगर कुछ आप मिस्टेक करते हैं, बाय मिस्टेक आप कुछ करते हैं, तो मेरे हिसाब से शायद ना हो पाया बाईपास। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि मैं यूट्यूब सर्च किया, और यूट्यूब मैं इसलिए दोस्तों सर्च किया, डायरेक्टली मैं गूगल से भी कुछ डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब इसलिए सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, बस वहाँ पे ही पहुँचना अपना मकसद है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो लिंक बेटर है मेरे हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो उसी जगह पे हम लोगों को जाना है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, जैसे कि मैंने टाइप किया था सेम आपको टाइप करना, और यहाँ पे जो एपेक्स लॉन्चर है इसका, उसको आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेट वगैरह ऐसा कुछ बता रहा है, ठीक है, यानी इंस्टॉल बता रहा है यूट्यूब इंस्टॉल करने के लिए। तो हम लोग का तो जाहिर सी बात है गूगल अकाउंट में फंसा हुआ है, तो इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो देखिए वो भी ट्रिक है यहाँ पे, तो इसको आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। डेस्कटॉप करने के बाद हम लोग इसको बाईपास करेंगे। तो एकदम दोस्तों वीडियो के साथ एकदम बने रहना, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ एक भी स्टेप को आपको छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है, जैसे करता हूँ वैसे आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क का शायद इशू है, तो इसके देखिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसके डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद जो एपेक्स लॉन्चर है उसको आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद एक और है, उसको भी डाउनलोड करना है, कर लेना है दोस्तों। तो इस दरमियान आपका जो MB है वो ज़्यादा MB आपका खर्चा नहीं होगा, करीब करीब मान के हम लोग हाईएस्ट मान के चलते हैं 100 MB बहुत है, बहुत ज़्यादा है 100 MB बहुत मान के चलिए। तो हम लोग इसको सबसे फर्स्ट जो दोस्तों बात यहाँ ये रहती है कि सबसे फर्स्ट हम लोगों को एपेक्स लॉन्चर उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद से फिर जो हम लोग रिमोट जैसे में उसको भी करना है, तो यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे शायद बैक का कुछ इशू हो रहा है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रेस करके कर रहा हूँ, बैक का थोड़ा इसमें प्रॉब्लम, अगर आपका सही है तो अच्छी बात है, आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ऐसा कुछ आता है, इसको एक्सेप्ट करना है और एपेक्स लॉन्चर को इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे ये दोस्तों इंस्टॉल हो रहा है, ये थोड़ा सा समय लेता है, तो यहाँ पे आपको सस्पेंस रख के करना और दिमाग को एकदम हल्का रख के, हल्के माइंड से एकदम आपको करना है, तो ही आप दोस्तों इसको बाईपास कर पाइएगा इजिली, वरना ये आपका बहुत सर खाएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं जाता हूँ और फिर से यूट्यूब वो लिंक पे ही जाता हूँ, और वहाँ से मैं यहाँ पे रिमोट का जो दूसरा लिंक था, यानी फर्स्ट से हम लोग तो एपेक्स लॉन्चर अपना, और दूसरा में आपका रिमोट GSM.EZ जो है दोस्तों, उसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरा शायद इंटरनेट थोड़ा स्लो है, अगर आपका फास्ट है तो जल्दी जल्दी में काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो करीब 11 से 12 मिनट के आसपास का, पर 11 से 12 मिनट को अगर आप सही से एकदम फॉलो करते हैं, यानी ठीक से एकदम फॉलो करते हैं, तो आप इसको बाईपास कर पाइएगा। तो यहाँ से मैंने आपने देखा दोस्तों कि रिमोट का मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो कुछ वहाँ पर इशू आ रहा है, यानी कुछ एरर आ रहा है, तो फिर से हम लोगों को डाउनलोड कर लेना है, यानी हम लोग क्रोम से फिर दूसरा लिंक से डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे कुछ इशू हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, मैं टाइप कर रहा हूँ remote.gsm.ez, यहाँ पे .apk यहाँ पे डाउनलोड किया, यहाँ से जो फर्स्ट से मैं नहीं कर रहा हूँ, सेकेंड से कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड जिससे भी कर सकते हैं, बात एक ही पड़ता है। तो सिंपली यहाँ पे remote.gsm जो है दोस्तों gsmet.gov.apk ऐसे है ये इसका नाम, तो आप देख सकते हैं, नाम देख लीजिएगा, उस हिसाब से इसको लिखिएगा। तो सबसे फर्स्ट जो दोस्तों हम लोग को बाईपास, किसी भी चीज़ को अगर बाईपास करते हैं, कोई भी फ़ोन हो, तो करना दोस्तों ये होता है कि उसको हम लोगों को सबसे फर्स्ट सही से एकदम देखना है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं करना है। और पहले मेरे कहने के हिसाब से दोस्तों, अगर मेरे हिसाब से चलते हैं, तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि अगला जो बंदा है जिसका मैं वीडियो देख रहा हूँ, वो बाईपास इसको कैसे कर रहा है, वैसे इसको बाईपास करना, यानी अगला बंदा का आपको देख लेना, एकदम एक से दो बार देख कर बाईपास करना,
तो ही आप इसको कर पाइएगा। ऐसा भी होता है, बहुत सारे भाई करते क्या है कि यूट्यूब एक तब चल रहा है उसको देख देख के कर रहे हैं, तो वैसे मेरे हिसाब से करना है ठीक नहीं है। पहले आप उसको देख लीजिए, दो तीन बार रिपीट कर लीजिए, जैसे हम लोग नॉर्मली बुक पढ़ते हैं तो दो तीन बार उसको रिपीट कर लेते हैं तो ही हम लोगों को माइंड में आता है। वैसे इसको भी वैसे सेम फॉलो करना है दोस्तों, एक दो बार इसको देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद आप इसको वापस कीजिए। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं करना, मेरे हाथ को देखना है और फ़ोन की तरफ देखना है कि किस सेटिंग में जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ कैसे कर रहा हूँ, वैसे सेम करना आपको, ठीक है। बोलने का मतलब ये है, तो यहाँ पे सोर्स सिस्टम ऐप्स मैंने किया और आपने देखा कि वहाँ पे जो प्ले स्टोर जो था वो वहाँ पे वो डिसेबल था, इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पे उसको बंद किया। उसके बाद यहाँ पे आके जो हम लोगों का गूगल प्ले, यहाँ पे देखिए ये एनेबल हो चुका है, यानी ये पहले डिसेबल था, यानी वहाँ पे कुछ उसको स्टॉप करने का कुछ लोगों नहीं आ रहा था, हम लोगों ने वहाँ पे जाके उसको किया तो हम लोगों का निकल गया। तो ये सब भी होता है, इसलिए मैंने बताया दोस्तों। बहुत सारे भाई बोलते हैं भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है यूट्यूब का, कुछ लोग इशू आ जाता है या कुछ भी ऐसा इशू आता है, तो इशू दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है आपका इसी के लिए आता है क्योंकि आपने सही से वीडियो को फॉलो नहीं किया, इसी के लिए आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप सही से वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तो एकदम मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे आपको करना है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कैमरा हिल रहा है क्योंकि एक हद से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और एक हद से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कर भी रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा शायद इशू हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा फ़ोन में कुछ चार्ज भी नहीं था तो मैं यहाँ पे इसको चार्ज में भी इसको लगा दिया हूँ, और जैसा कि आप तो दोस्तों यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है इस दरमियान। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि अभी तक आपने रोजटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके एकदम सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों फ़ोन से ही रिलेटेड मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि आपका एकदम हेल्पफुल रहेगा और 100% परफेक्ट वीडियो रहता है, ठीक है दोस्तों। यानी रोजटेक पर जो वीडियो आप जो भी देखिएगा देख सकते जाके, वीडियो लिस्ट में मेरे जाइएगा और वहाँ पर देखिएगा बहुत सारा वीडियो है, सब एकदम वर्किंग है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा बैक का इशू कर रहा है, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे इसका जो टच का साथ कुछ इशू कर रहा है, तो मैं तो इसको रिपेयर करने के लिए मुझे कस्टमर दिया नहीं दोस्तों, कस्टमर तो मुझे इसका FRP के लिए दिया। तो खैर यहाँ पे हम लोग फिर से उसको रिमोट वन जो था उसको इंस्टॉल कर दिए हैं। इंस्टॉल करने के बाद फिर से सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जो अकाउंट में जाते हैं, अकाउंट में जाने के बाद ऐड अकाउंट में आते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद गूगल में आते हैं, बस नॉर्मली सेटअप है जैसे मैं आप देखे होंगे। अगर आप नए इसको बाईपास कर रहे हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा, बाकी मैं और भी बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैं सेम तरीका वैसा ही इसको भी बाईपास करने का। दरअसल इसका एंड्रॉयड दोस्तों एक बात और है, इसका एंड्रॉयड तो छोटा है और सिक्योरिटी भी इसका बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी इसको जो बाईपास करना जो है दोस्तों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसी के लिए मैंने इस ट्रिक से इसको बाईपास कर रहा हूँ। और वैसे आपको भी बाईपास करना है तो आपको यहाँ पे जो भी आईडी याद है, बोलने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे जब मैंने टाइप किया जो भी आईडी आपको याद है, आईडी पासवर्ड, वो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो की बता रहा है, वीडियो के बीच में भी बताया कि दोस्तों वीडियो को आप एक तरफ देख रहे एक तरफ कर रहे, वैसे आपको करना नहीं है। पहले वीडियो को एक दो बार देख लीजिए उसके बाद कीजिए तो 100% इंशाल्लाह आप भी बाईपास कर पाइएगा इसको, वरना शायद आप ना कर पाएँ, क्योंकि ये जो दोस्तों है इतना बिजी नहीं, ईजी नहीं है इस ट्रिक को आप ट्राई करना, इस ट्रिक से यानी बाईपास करना। एक भी अगर मिस्टेक होता है तो शायद आप बाईपास ना कर पाए, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करते हैं तो आप इंशाल्लाह मैं बताता हूँ दोस्तों 100% आप बाईपास कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मैंने इसको वापस एनेबल कर दिया, और सेम वैसे भी आपको करना, और यहाँ पे सबको एक्टिवेट कर देना यानी चालू कर देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे इसको भी मैं एक बार चालू करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर यह सब ऑलरेडी अपना काम यहाँ का हो चुका है, यानी गूगल अकाउंट का जो अकाउंट्स जो था, यानी हम लोग जो अकाउंट ऐड किए हैं ऐड का काम हो चुका। अब जो बात दोस्तों ये रही कि हम लोग जो रिमोट वन जो हम लोग डाउनलोड किए थे उसको मेरे हिसाब से अनइंस्टॉल कर देना बेस्ट है, वापस उसको अनइंस्टॉल कर देते। लेकिन यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे अनेबल हो चुका है, यानी वहाँ पे जो सॉरी दोस्तों वहाँ पे डिसेबल हो चुका है, यानी वो गायब हो चुका है, तो हम लोग को उसको अनेबल करना, वापस उसको निकालना है। तो हम लोगों ने वहाँ पर जो क्लिक किया था उसको क्लिक नहीं करना था,
इसके लिए यहाँ पे ऐसा कुछ इशू आया, तो यहाँ पे मैं रिमोट वन को यहाँ पे अनइंस्टॉल फिर से करता हूँ। यहाँ पे देखिए फिर से ये निकल गया, ठीक है। तो इसलिए मैं बता दोस्तों कि एक भी स्टेप को आपको छोड़ना नहीं है, सभी को फॉलो करना है, और यहाँ पे जब सब काम हो जाएगा तो एक बार अपने फ़ोन को रिबूट कर लीजिए। रिबूट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम था वो इंशाल्लाह 100% आपका सॉल्व हो गया। तो रिबूट करने के बाद यहाँ पे कुछ आपका यहाँ पे आएगा, और उसके बाद यहाँ पे फिर से वो चेकिंग करेगा, चेकिंग कनेक्शन यहाँ पे आपका लेगा, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ समझाने के लिए, वरना मैं ऐसे ही कुछ टॉन वगैरह देकर आपको छोड़ सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना बड़ा वीडियो मैं बना रहा हूँ, इतना देर में बोल रहा हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको अगर रोस्टेक से ज़्यादा प्यार है तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसलिए बाईपास अपना फ़ोन हो चुका है, लेकिन एक चीज़ और है, बाईपास कर लिए तो ये नहीं कि अपना काम आपका ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज़ और है आपको करना है, वो ये है दोस्तों कि हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर वाईफाई इसका बंद कर देना है, और सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में आना है, उसके बाद इसका मॉडल भी देख सकते हैं, रैम है इसका आपका GB और एंड्रॉयड देख सकते हैं, सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बिल नंबर जो दोस्तों इसको आपको 7 टाइम यानी कंटिन्यू इसको क्लिक करना है, उससे क्या डिप्लोपर ऑप्शन निकल जाएगा, उसके अंदर जाके OEM अनलॉकिंग है उसको आप चालू कर लीजिएगा, उसको यानी उसको ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर बैकअप रिसेट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। रिसेट फ़ोन है यहाँ पर, अपना फ़ोन को एक बार ज़रूर आप रिसेट कर लीजिएगा, इससे दोस्तों होगा क्या कि आपका फ़ोन स्टार्टिंग कंडीशन में आ जाएगा, यानी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग रोस्टेक।